लेक्चर आज हमारे पास है बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है 3D त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति और उसके बारे में हम पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर रहेगा दो गोला। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आप लोगों के पास JPH की बुक होगी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। हो सकता है इसका ये जो कवर पेज है आपकी बुक के ऊपर थोड़ा सा अलग हो, पर अंदर हमारे पास यूनिट सिस्टम से एक समान रहेगा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर दो जिसके अंदर हम सीखेंगे गोला। ओके, तो इस गोले को शुरुआत करें उससे पहले हम जानते हैं इस गोले के बारे में कि गोला हमारे पास होता क्या है। तो जैसे आप मान लो कोई वॉलीबॉल ले लो या ऐसे मानो कि ये मेरे पास एक गोला है। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक गोला है। इस गोले के को प्री मैथमेटिक्स में परिभाषित करने के लिए इसको लिखा जाएगा कि माना हमारे पास एक बिंदु है फिक्स, हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि बिंदु पी मेरे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, बिंदु पी मेरे पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, यानी हम इस बिंदु को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे। फिर मेरे पास एक निश्चित दूरी पर कोई एक और बिंदु है, मान लिया कि मैंने 5 मीटर के बाद मेरे पास एक और बिंदु है। क्यों बिंदु है, पहले तो मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट पी है और मान लेता हूँ कि एक दूरी हमने फिक्स कर दी, 5 मीटर की दूरी फिक्स कर दी और ये बिंदु क्यों है। अब देखिए चूंकि ये बिंदु तो फिक्स है ये तो हमारे हिलेगा ही नहीं, और ये बिंदु क्यों है, ये गतिशील बिंदु है, ये इस चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है। तो माना ये बिंदु किसी टाइम पे घूम के इधर आ गया और चूंकि इससे बंधा हुआ है, जैसे मान लो मैं मार्कर के सामने से लेता हूँ पॉइंट क्यों, मैंने मार्कर की एक रेडियस ले लिया पॉइंट क्यों और ये गतिशील बिंदु है, मैंने मार्कर को इस स्थायी फिक्स पॉइंट से बांधा और ऐसे घुमा दिया, किसी टाइम पर ये यहाँ पहुँचेगा एक बिंदु, फिर किसी टाइम पर ये यहाँ पहुँचेगा एक बिंदु, फिर हमारे पास ये यहाँ पहुँचेगा एक बिंदु, फिर किसी समय पर ये आ जाएगा और ऐसे घूमते घूमते हमारे पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे। तो एक तो हमारे पास ये बिंदु घूमेगा, ठीक है, और एक देखिए मार्कर को मैंने इस साइड मिला, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इतने ही इस व्हाइट बोर्ड के पीछे हैं। चूँकि ये 3D है इसलिए इसको बनाना, डायग्राम को बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बोर्ड पे लिखेंगे तो वृत्त जैसा दिखाई देगा, पर ये समझिए हमारे पास इसके अंदर एक बिंदु है जो फिक्स है और मार्कर इसकी एक त्रिज्या है, इसके बाहर जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, किसी भी साइड इसका कोई भी बिंदु ले सकते हो, चारों तरफ से ये क्या होगा हमारे पास समान दूरी के ऊपर रहेगा, मतलब यही 5 मीटर इस साइड रहेगी और यही 5 मीटर हमारे पास इस साइड रहेगी और यही 5 मीटर इस साइड रहेगी। अगर आप इस बिंदुओं को मिलाओगे, ये बिंदु बिंदुओं को मिलाने मतलब है, दो बिंदुओं को मिलाना, तीसरे बिंदुओं को मिलाना, उसको बोलते हैं बिंदु पथ। बिंदुओं को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये बिंदु पथ, 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 ये बिंदु पथ है, और इतना ही ये आगे की तरफ झुका हुआ है, यहाँ 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 और इतना ही व्हाइट बोर्ड के पीछे है। ठीक है, तो ये 3D का डायग्राम है, दिखाई नहीं देगा, एक बार वर्थ जैसा लग रहा है, पर आप माइंड्स में फील करोगे कि ये मेरे पास क्या है, एक गोला है। मान लो मैंने इसको सही रखूंगा तो ये आधा तो बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के पीछे जाएगा और आधा ऊपर की ओर उठा हुआ आएगा। ठीक है, और ये बात हम कर रहे हैं स्पेस के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया, ये लो मैंने यहाँ गोला रख दिया, तो मैंने इस रूम के अंदर और एक इस स्पेस के अंदर यानी एक समष्टि के अंदर इस गोले को मैंने रख दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गोले का जो डायग्राम होगा वो 3D होगा, गोला होगा वो हमारे पास किसके अंदर होगा, 3D होगा, यानी उसके अंदर तीन दिशाओं की ज़रूरतें पड़ेगी। इससे पहले आप 2D सीख के आए हो कि एक अक्ष होता है O अक्ष डैश होता है, एक Y होता है और O Y डैश होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास ये पेपर 3D है, तो सबसे पहले 3D को ही देखते हैं कि डायग्राम क्या होता है। तो देखिए 3D के अंदर हमारे पास क्या करेंगे कि ऐसे डायग्राम खींचो, पहले तो 2D बना दो, और मतलब ये अक्ष अक्ष हो गई और ये Y अक्ष हो गई और ये मार्कर वाली ये Z अक्ष हो गई,
मार्कर वाली ये जेड एक्स हो गई। अगर आप अपने घर के रूम में बैठे हैं तो रूम का आप कोई भी एक कोना देख सकते हैं, जैसा फिलहाल में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो उस कोने से तीन निकल के जाएंगे, एक ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी और एक सामने वाली ये दीवार आएगी। आप चेक कर सकते हो घर का प्रत्येक कोना हमारे पास 3D के अंदर होता है, तीन तीन दिशा उसके अंदर से निकलती हैं। ठीक है, तो एक दिशा तो ये हो गई अक्ष ओ अक्ष डे से, अक्ष ओ अक्ष डे से। दूसरी हमारे पास ये हो गई वाई ओ वाई डे से। और तीसरी मेरे पास ये वाली है, तीसरी ये है, तो इसको यहाँ लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इसको डॉट 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 लिख लेता हूँ। डॉट 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 लगा दिया और इसको बोल दिया मैंने जेड डैश। ठीक है, अब देखो आप यहाँ डॉट डॉट मत लगा देना, क्योंकि मैंने यहाँ जो डॉट लगाया है इसको लिखा है, इसको डॉट लिख दिया, इतना ही है। इसके पीछे की ओर है, व्हाइट बोर्ड के क्या है पीछे की ओर है, उसको हम नहीं दिखा सकते, डॉट से भी नहीं दिखा सकते। तो कहने का मतलब मेरे पास बन गया कि अगर ये अक्ष ले लूं और ये मैं वाई ले लूं और तीसरा मेरे पास क्या बन गया जेड। ओके, तो आप 3D के डायग्राम्स को ऐसे समझिए कि आपके पास जो 3D का डायग्राम होगा वो हमारे पास कैसे होगा, जेड और जेड डैश हो जाएगा। इसके एरो के निशान लगा लेते हैं। तो अब आपको याद रखना है 3D के अंदर कि हमेशा ये तो क्या हो गया अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y, और तीसरी भुजा क्या हो गई जेड, और ये क्या हो गया इसका मूल बिंदु। ठीक है, अब रटना मत कि अक्ष y जेड हमारे पास ऐसे ही होंगे, आपको तो केवल 3D ऐसे बनाना है, एक डायग्राम दो डायग्राम और तीन तेरह के निशान, और ये मूल बिंदु हो जाएगा। ओके, अब आप कहीं भी, जैसे मानो मैंने यहाँ अक्ष लगा दिया, यहाँ जेड लगा दिया, यहाँ मैंने वाई लगा दिया, या फिर आपकी इच्छा हुई कि नहीं आपने यहाँ तो अक्ष लगा दिया, यहाँ जेड लगा दिया और यहाँ आपने वाई लगा दिया, कैसे भी लिख सकते हैं, तीन नाम देंगे अक्ष वाई और जेड। तो ये हमारे पास है, इसको 3D में प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा। ओके, अब आइए गोले की परिभाषा लिखते हैं हम। तो गोले की परिभाषा के अंदर एक बिंदु, और वो बिंदु वो ले लेते हैं कि बिंदु क्यों, जो लगातार घूमने वाला बिंदु होगा वो मूविंग पॉइंट होगा, गतिशील बिंदु, और एक बिंदु हमारे पास स्थायी होगा। तो एक बिंदु समष्टि में इस प्रकार गमन करता है, समष्टि बोल दो या आप आकाश बोल दो या आप इसको बोल सकते हो, इसको इंग्लिश में बोल देंगे स्पेस बोल दो। एक बिंदु समष्टि में इस प्रकार गतिशील है, मैं इस प्रकार गतिशील बोल दो या गमन बोल दो कि इस प्रकार गमन करता है, इस प्रकार गमन करता है कि, इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से, देखिए हमने इस वाले बिंदु की बात की है, जो बिंदु गतिशील होगा उस बिंदु को पहले लेंगे, कि एक बिंदु समष्टि में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थायी बिंदु पी से, उसकी एक स्थिर बिंदु, उसकी एक स्थिर बिंदु, और P संकेत नाम देना मत, सीधा स्थिर बिंदु ही बोल दो, उसकी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर दूरी रहे, सदैव दूरी फिक्स रहे, सदैव दूरी अचर दूरी रहे। ठीक है, अचर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मानो 5 मीटर ले लिया, 3 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, जो भी है सदैव अचर दूरी रहे। तो ये हो जाएगी हमारे पास गोले की डेफिनेशन से। तो एक बार फिर से देखो गोले की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, आपको बनाना है एक फिक्स बिंदु, पॉइंट फिक्स हो गया, एक बिंदु है क्यों जो घूम रहा है, और ये हमने एक निश्चित रेडियस ले ली, किसी टाइम पर ये बिंदु इधर आ जाएगा, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। अगर हम इसको मिलाएंगे, इस बिंदु के बिंदुओं को मिलाएंगे आपस के अंदर, तो ये हमारे पास एक गोला बनेगा, इतना ही व्हाइट बोर्ड के इधर है और इतना ही व्हाइट बोर्ड के पीछे है। ठीक है, ये चारों तरफ से एकदम गोल है। तो हमारे पास जो बिंदु गति कर रहा है, देखो इधर आ गया इधर आ गया, जो जिस बिंदु का बिंदु पथ था उसको हम लिखेंगे कि एक बिंदु समष्टि में इस प्रकार गमन करता है कि, या एक बिंदु का बिंदु पथ समष्टि में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहे। ठीक है, तो एक बिंदु का बिंदु पथ लिख देता हूं मैं, एक बिंदु का बिंदु पथ समष्टि में, एक बिंदुओं का बिंदु पथ लिख देता हूं, मतलब ये इनका रास्ता समष्टि में इस प्रकार गमन करता है
कि उसकी एक स्थिर बिंदु से सदैव दूरी अचर रहे। ठीक है, यहां देखो नोट लगा के हम क्या बोलेंगे, जो स्थिर बिंदु है, जो स्थिर बिंदु है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, गोले की त्रिज्या का, सॉरी गोले का केंद्र कहलाएगा। जो हमारे पास स्थिर बिंदु है वो क्या कहलाएगा, गोले का केंद्र, क्योंकि यही तो पॉइंट है जिसको आधार बना के हमने चारों तरफ से खींचा है। ठीक है, तो स्थिर बिंदु आ जाए गोले का केंद्र, और जो दूरी है वो कहलाएगी इसकी त्रिज्या, और जो स्थिर दूरी है वो क्या कहलाएगी, स्थिर दूरी है वो गोले की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, गोले की त्रिज्या। मतलब हमारे पास से दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया हमारे पास गोले का केंद्र क्या होता है, एक आ गया हमारे पास गोले की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, एक बार आप इस डायग्राम में फिर से देखिए कि इसके अंदर एक बिंदु है वो तो क्या कहलाएगा, इसका केंद्र, और जितना ये इसकी त्रिज्या बनी हुई, किसी ना किसी त्रिज्या के ऊपर इसको बनाया गया है, तो वो क्या है, इसकी गोले की त्रिज्या है। और गोले की सतह पे हम जो बिंदु लेंगे, जो क्यों पॉइंट है, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 मतलब आप किसी भी शेप में इसके बिंदु को ले सकते हैं, वो चारों तरफ की शेप में क्या होगा, बिंदुओं का बिंदुपथ। सभी बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो देखो बाहर से पूरा एक ये परत सी बन गई है, और इसके अंदर जो सेंटर में एक वो बिंदु है। ठीक है, तो ये 3D है, आप इस गोले को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और थोड़ा सोचेंगे। तो गोले की परिभाषा होगी कि गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, या ऐसे दोबारा से लिख सकते हो कि गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो समष्टि में इस प्रकार गति कर रहा है या घूम रहा है या गतिशील है, जो भी शब्द आपको सूट हो लिख देना, उसकी एक स्थिर बिंदु से सदैव दूरी अचर रहे। अब जो स्थिर बिंदु है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उस गोले का केंद्र कहलाएगा, और जो स्थिर दूरी है वो क्या कहलाएगी, गोले की त्रिज्या। ठीक है, और 3D के अंदर हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और सपोज करो यहाँ कोई बिंदु है तो उसके पक्के कोई ना कोई निर्देशांक, उसकी स्थिति तो बतानी पड़ेगी ना, किस पोजीशन के ऊपर है, जो मैं अभी लिख के बताता हूँ आप लोगों को। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर से हमने क्या सीखा है कि हमारे पास एक गोला है। देखिए आगे जैसे ही मैं गोला बनाऊंगा तो आप लोगों को वृत्त दिखाई देगा, परंतु आप गोला मान के चलना है। ठीक है, 3D है, इसके अंदर गोले को तो ऐसे बनाएंगे और ये इसका केंद्र होगा, और जब वृत्त बनाने की बारी आएगी ना तो वृत्त को मैं ऐसे बनाऊंगा, वृत्त को मैं ऐसे बनाऊंगा कि देखो ये वृत्त है। ठीक है, ये दिखाएंगे आगे जब टॉपिक आएगा, एक गोला एक समतल को काटेगा तो वृत्त बनेगा, उस वक्त दिखाएंगे कि किनारी किनारी वृत्तें कैसे बनेगी। तो मतलब जिसे हमें 3D और 2D को हम कागज पे ला सकें। तो हमने क्या देखा कि गोले के अंदर एक बिंदु तो ये रहता है, इसको मैं बिंदु A नाम दे देता हूँ और इसको मैं बिंदु P नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास अचर दूरी है, ये मेरे पास क्या है, अचर दूरी है, और ये मेरे पास क्या है, अचर बिंदु है। बिंदु A क्या है मेरे पास है, अचर बिंदु, सॉरी स्थिर बिंदु है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये हमारे पास है स्थिर बिंदु है, और P है हमारे पास है गतिशील बिंदु है, मतलब ये घूमता रहेगा, A अपनी जगह छोड़ के जाएगा नहीं, ये गतिशील बिंदु है, ये हमारे पास क्या है, अचर दूरी है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसी डायग्राम को लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, स्थिर बिंदु आ गया, बिंदु A तो कहलाएगा केंद्र, बिंदु एक तो कहलाएगा केंद्र, ये जो दूरी है स्थायी दूरी है ये कहलाएगी हमारे पास गोले की त्रिज्या, और ये बिंदु P है ये हमारे पास रहेगा वही गतिशील बिंदु, वही गतिशील बिंदु। ठीक है, अब देखिए जैसा आप 2D के अंदर सीख के आते थे कि 2D के अंदर दो बिंदु होते थे A और B, आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर आप 12th क्लास में वैसे ही पास होके आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी पास हो जाते हैं, हो सकता है 5% 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको सीरियसली नहीं लेना। देखिए दो बिंदु AB के मध्य दूरी हम ऐसे निकालते थे कि X1 और Y1, X2 और Y2, दूरी सूत्र से क्या निकालते थे, रूट के अंदर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। और ये बिंदु हमारे पास 2D में ऐसे होते थे कि एक बिंदु तो क्या है एक्स वन वाई वन और एक बिंदु क्या है मेरे पास है एक्स टू वाई टू। अब चूंकि 2D नहीं है, अब हमारे पास क्या चल रहा है 3D चल रहा है। अब हमारे पास क्या चल रहा है 3D चल रहा है। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, मान लो मैंने यहाँ कोई रेखा रख दी है इधर, तो एक बिंदु इसके निर्देशांक होंगे x1, y1, z1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x2, y2 और z2। मैं ऐसे कर देता हूँ कि मान लो आपने कोई रेखा रख दी इधर a और b, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे x1, y1 और z1 और बिंदु b के निर्देशांक क्या होंगे x2, y2 और z2। ठीक है, 2D के अंदर ये x1 और y1 होंगे, 3D के अंदर तीसरा और जुड़ जाएगा, इसका z दिशा का डायरेक्शन है और जुड़ जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा है कि गोले का केंद्र हम कहाँ से लेके आए, तो जो स्थिर बिंदु है उसी को नाम दे दिया गया कि ये गोले का केंद्र कहलाएगा। जो स्थिर दूरी है अचर दूरी है उसी को हमने नाम दे दिया कि ये गोले के क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। और जो बिंदु P घूम रहा है उसको हम क्या बोल देंगे गतिशील बिंदु बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे गतिशील बिंदु बोल देंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमने ये सीख लिया कि हमारे पास ये एक गोला है। अब इसको मैं बिल्कुल मैथमेटिक्सली संकेत दे देता हूँ, ये मैंने बिंदु A नाम दे दिया, इसके तीन निर्देशांक होंगे, इसके तीन निर्देशांक होंगे x1, y1 और z1। यो इसकी सतह पे कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक होंगे x2, y2 एंड z2। ठीक है, और ये हमारे पास अचर दूरी है, ये हमारे पास अचर दूरी है जो गोले की क्या होगी त्रिज्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि अब इन बिंदुओं को आप क्या करो कि इस वाले बिंदु P के निर्देशांक तो मान लो x, y और z, और ये बिंदु A के निर्देशांक ले लो आप ABC। ठीक है, आप चाहो तो x1, y1, z1, x2, y2, z2 ले सकते हो, परंतु हम क्या करेंगे कि इसके बिंदु ABC मान लेते हैं, इसके XYZ मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं एक बार ये भी समझिए। और ये दूरी है AP के मध्य, क्या दूरी मान ली हमने R, तो हम लिखेंगे कि माना AP की जो दूरी है वो क्या है, AP क्या है अचर है, और अचर को हमने क्या संकेत दे दिया R संकेत दे दिया। ठीक है, और इन मैथमेटिक्स से आप 12th क्लास में सीख के आए हो बहुत अच्छे से कि जब भी हमारे पास ऐसे लिखा जाता है XYZ ABC, याद करो जब आप अवकलन किया करते थे तो ऐसे लिख दिया करते थे dy बटा dx, या समाकलन करते थे इसका कोई फंक्शन है y(dx), तो हम क्या लगाते थे उसके जो भी इसका आंसर हो जाता था प्लस c लगाते थे। यानी जब हमें चर मानने की बारी आए, यानी हमें वेरिएबल या चर मानने की बारी आए, तब तो हम क्या करते थे XYZ मानते थे, और जब हमें कॉन्स्टेंट मानने की बारी आए तो हम नॉर्मली क्या मान लेते थे कि माना ABC नियतांक है, और जब चर बोलते थे तो हमने उसको क्या मान लेते थे XYZ। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमारे पास ये बिंदु A स्थिर बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास क्या है भाई, देखो ये बिंदु A हमारे पास क्या है स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु होने का मतलब ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट, मतलब ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके जो तीन निर्देशांक हैं कि मैंने पहले ऐसे बोला था कि मान लो आप A को तो x1, y1 और z1 ने, और P को मान लो x2, y2 और z2, मैंने पहले ऐसा बोला था, पर अब देखते क्या है कि A स्थिर बिंदु है, मतलब इसके कॉन्स्टेंट होंगे, इसके जो निर्देशांक होंगे तो उसके निर्देशांक मैंने कॉन्स्टेंट मान लिए A, B और C। और ये जो बिंदु P है ये गतिशील बिंदु है, ये जो बिंदु P है ये गतिशील बिंदु है। मान लो किसी टाइम में बिंदु P इधर आ गया तो x की डायरेक्शन में x निर्देशांक, y की डायरेक्शन में y निर्देशांक, z की डायरेक्शन में z निर्देशांक। किसी टाइम में बिंदु P इधर आ गया, मान लो गोला उठ के इधर आ गया, तो मतलब जो बिंदु घूमेंगे तो हमें नहीं पता कि सेम टाइम उसकी सिचुएशंस क्या है, पर इतना बता सकते हैं कि x की डायरेक्शन में उसका एक पॉइंट है, y की डायरेक्शन में उसका एक पॉइंट है एंड z की डायरेक्शन में उसका एक पॉइंट है। तो इसलिए मैंने इस बिंदु A के निर्देशांकों को मैंने स्थिर ले लिया है, कॉन्स्टेंट टाइप में ले लिया ABC, और इसके निर्देशांक बिंदुओं को मैंने गतिशील टाइप में ले लिया है XYZ। हालांकि मैं नहीं समझाता, सीधा बोल देता कि दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक ये मान लिए, इसके निर्देशांक ये मान लिए, तो आप लोगों को पता चल जाता या आप मान लेते कि हाँ भाई ऐसा ही होता होगा,
पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इस 3D के अंदर सभी चीज़ें बहुत ही डिटेल से सीखनी है। ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ मैं, सभी चीज़ें हमें यहाँ बहुत ही डिटेल से सीखनी है। तो देखिए, अब ये स्थिर बिंदु है, इसके निर्देशांक हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से। तो जब भी हमें कोई वैल्यू चेंज करने की बारी आएगी, या कोई बिंदु चेंज करेंगे, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाएंगे, तब हर बार किसके निर्देशांक चेंज होंगे? अक्ष वाई और जेड के। किसके निर्देशांक चेंज होंगे? अक्ष वाई और जेड के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। मैंने लिख लिया कि माना AP दूरी क्या है? अचर है। अब हम क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र से। अब आप ये बात जानते हो, दूरी सूत्र से आप जानते हो कि बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी क्या होती है। आप जानते हैं कि बिंदुओं A x1 और y1 तथा बिंदु B x2 और y2, बिंदु B x2 और y2 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी क्या होती है? तो मध्य दूरी को आप क्या बोलोगे? AB इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा आप 11th क्लास में जरूर, आप लोगों ने इतना तो आपको याद भी है कि आपने दूरी सूत्र से निकाल के आए थे। ठीक है, यहां मैं क्या कर लेता हूं, x1 y1। अब की बार हमारे पास यहां कितने बिंदु आ गए? 3 बिंदु, अक्ष वाई और जेड। तो मैं तीसरा बिंदु और लिख लेता हूं कि माना एक बिंदु तो हमारे पास क्या है? x1 y1 z1। दूसरा बिंदु क्या है? x2 y2 z2। तो ये और जोड़ देंगे, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो का तो आपका बड़ा हुआ था, तीसरा बिंदु और आ जाए, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये हम तीसरा और ऐड कर देंगे। तो यहां अतः हमारे पास यहां बिंदु क्या है? AP। तो AP कितना हो जाएगा? रूट के अंदर, देखिए हमारे पास यहां क्या है? AP। A के निर्देशांक हमारे पास क्या है? ABC एंड P के निर्देशांक मेरे पास क्या है? x y z, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर। पहले क्या लिखेंगे? x2, यानी इस वाला अवयव। यहां हमारे पास क्या है? x1 की जगह a, y1 की जगह b, z1 की जगह c, और P की जगह हमारे पास क्या है? अक्ष वाई और जेड। इस सूत्र के अंदर रख दो आप, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? सीधा सूत्र लगाएंगे तो हम लिख देंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, और जेड माइनस c का होल स्क्वायर, और जेड माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए AP को हमने क्या माना था? अचर R के बराबर। तो हमारे पास क्या बन गया? R इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, और z माइनस c का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। वर्ग करूंगा तो इस साइड में तो कितना आ जाएगा हमारे पास? है r स्क्वायर, और इस साइड में इसका रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा? r स्क्वायर बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर, और z माइनस c का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशंस आ गई जिसको मैं कहीं भी यूज में ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि गोले की परिभाषा ही थी, उसके अंदर दो बिंदु थे, हमने दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकाल ली और हमारे पास ये एक सिचुएशंस आ गई। अब हम इसे क्या बोलेंगे? गोले का समीकरण बोलेंगे, और उसको हम सीखेंगे कि गोले के समीकरण के रूप कैसे कैसे रूपें होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार केवल इसको दूरी मान के चलना कि ये एक गोले के दो मध्यों के मध्य दूरी है जो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब होती है हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट। ये तो थी केवल गोले की डेफिनेशंस क्या होती है और गोले का समीकरण ये कैसे निकल के आया। अब हम सीखते हैं कुछ गोले के समीकरण की कुछ जरूरी बातें। जैसे ये जो गोला है, पहला सवाल ये है कि ये इस गोले की स्थिति क्या है, इस गोले की पोजिशन क्या है। मतलब ये जो 3D वाला सिस्टम था, ये गोला रखा हुआ कहाँ है? यहाँ पर रखा हुआ है,
या यहाँ पर रखा हुआ है, या ये गोला इधर है, या ये गोला इसको टच करके जा रहा है, या इसको टच करके जा रहा है, या बीचों बीच जा रहा है, या केवल दो को टच करके जा रहा है, या इधर से टच करके जा रहा है, न जाने इसकी कितनी सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कंडीशन फर्स्ट। पहले हम क्या सीखते हैं, कंडीशन फर्स्ट। अगर हमारे पास गोला ऐसे रखा हुआ हो, ये हमारे पास 3D का डायग्राम, अक्ष डायरेक्शन दे देता हूँ मैं, और वाई डायरेक्शन, चाहे वाई और जेड मैंने पहले ही बता दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारे पास क्या है, मूल बिंदु। सपोज करो सबसे पहले गोला ऐसे रखा हुआ है जब उसका केंद्र मूल बिंदु है। आप थोड़ा अच्छे से गोल बना लेना इसे। शुरुआत की कंडीशंस क्या बोल रहा है कि हमारे पास गोला ऐसे रखा हुआ है जब उसका केंद्र है मूल बिंदु पे हो। अब बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 2D के अंदर 0, 0, 3D के अंदर तीसरा 0। और इसकी सतह पर हम एक बिंदु लेंगे P, और उसके निर्देशांक, ये बिंदु P गतिशील है, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, तो लगातार इसके निर्देशांक बदलते जाएंगे। इसलिए मैंने मान लिया कि इसका निर्देशांक अक्ष डायरेक्शन में अक्ष, y डायरेक्शन में y एंड z डायरेक्शन में z, ओके। और ये हो गई हमारे पास इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस को मैंने मान लिया r, इसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया r। अगर आप चाहो तो आप स्मॉल a भी इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है, पर अगर स्मॉल a यूज में ले लोगे तो यहां आपने a b c माने थे, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये a और ये a क्या है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो शुरुआत के अंदर ये रहेगी। तो देखो हम क्या बोलेंगे, बिंदु OP के मध्य दूरी, बिंदु OP की दूरी, बिंदु O 0, 0, 0 तथा P अक्ष वाई जेड के मध्य दूरी सूत्र से, अक्ष वाई जेड के मध्य OP के मध्य दूरी सूत्र से लगा लेंगे ना हम फिर से अपना दूरी सूत्र, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी सूत्र, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी सूत्र। तो बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, OP रूट के अंदर अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर, यानी अक्ष माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर, यानी वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड 2 माइनस जेड 1 का होल स्क्वायर, यानी जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। OP हमारे पास क्या है, यहाँ डायग्राम्स में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि OP हमारे पास क्या है, R है, जो हमारे पास क्या है, अचर है। तो OP को मैंने क्या लिख दिया, R, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 है, कोई जरूर नहीं है लिखना, तो अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों पक्षों में वर्क कर दो, वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या पहले इसको लिख लो और फिर इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। और बताइए इस सिचुएशन में केंद्र क्या है, जब ये हमने समीकरण निकाला है तो इसका केंद्र क्या है, 0, 0, 0, केंद्र क्या है, 0, 0, 0 तथा इसकी त्रिज्या कितनी है, ये हमारे पास इसकी त्रिज्या r है। तो हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गया कि शुरुआत में मैंने केस फर्स्ट लिया है कि अगर मेरे पास ये गोला 3D के अंदर और उसका केंद्र मूल बिंदु के ऊपर ही हो, तो ये हो गया सबसे सरल रूप हो गया, इससे ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशंस ये रिजल्ट से नहीं देने वाला, ठीक है, इससे सिंपल ये कैलकुलेशंस रिजल्ट नहीं देगी। तो इसलिए इसको बोल दिया गया सरलतम रूप, कि केंद्र के ऊपर रखा हुआ है, मूल बिंदु भी उधर ही है और गोले का केंद्र भी उधर ही है, मतलब ये अपनी जगह से गोला, शुरुआत में गोला हम रखते हैं तो उसको हमने मूल बिंदु के ऊपर ही यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु गोला गतिशील गति करता हुआ किसी समय, मान लो ये गोला यहाँ आ गया, या हमारे पास नीचे के क्वाड्रेंट में आ गए, या इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब कितने क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, काफ़ी सारे क्वाड्रेंट बनेंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में ये जा सकता है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे गोले के समीकरण का सरलतम रूप कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, गोले के समीकरण का सरलतम रूप कहलाता है,
क्या कहलाता है? गोले के समीकरण का सरलतम रूप कहलाता है। ठीक है, और ये जो हमने निकाला था इस साइड वाले को, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या बन गया, इस साइड वाले को तो मैं पहले लिख लेता हूँ, इस साइड वाले को बाद में। तो ये मेरे पास क्या बन गया, अक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। देखिए, हमें इस गोले की ये सिचुएशंस नहीं पता कि ये 3D के अंदर कहाँ है। हमने निकाले जरूर हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड के अंदर, ये गोले से हमने समीकरण तो निकाल लाए, पर इस गोले की पोजीशन नहीं पता कि ये बिंदु इधर है या ये गोला इधर है या ये गोला इधर है। इसलिए मान लिया कि ये हमारे पास एक गोले का अभीष्ट समीकरण कहलाता है, गोले का स्टैंडर्ड समीकरण, या हमारे को क्या कहलाएगा, गोले का अभीष्ट समीकरण कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, गोले का अभीष्ट समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने एक सिचुएशंस में तो हमने पढ़ लिया है, और मान के चलेंगे कि हमारे पास ये जो गोला है ये हमारे पास यहाँ आ गया, गति करता हुआ कहाँ आ गया, किसी टाइम में यहाँ आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है इसके सारे निर्देशांक क्या होंगे, पॉजिटिव, और ये हमारे पास बिंदु P था, ये R था, अक्ष Y और Z। तो आपने जो दूरी सूत्र निकाला है उस गोले की पोजिशन ये है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्स भी पॉजिटिव, वाई एक्स भी पॉजिटिव एंड जेड एक्स भी पॉजिटिव, तो ये गोला आ गया। अब सपोज करो कि ये गोला खिसक के इधर आ गया, या गोला खिसक के इधर आ गया, या गोला खिसक के इधर आ गया। तो आप एक बार सरलतम रूप वाले तक उतार लेना, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, जगह की जरूरत है। तो हमारे पास गोले के समीकरण का सरलतम रूप कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करो कि ये गोला आप लोगों के पास यहाँ आ गया, किसी टाइम में घूमता घूमता ये इधर आ गया, ए बी और सी, और ये मेरे पास क्या आ गया, बिंदु पी, एक्स वाई और जेड। अब इसके अंदर ए बी सी के अंदर कौन से क्वाड्रेंट में है हमें नहीं पता, तो मान लेंगे किसी टाइम में ऐसा है कि ए की जगह क्या आ गया, माइनस का ए, और बी की जगह कुछ और आ गया। ए की जगह कितना आ गया, माइनस ए, बी की जगह कुछ और आ गया। चलो एक बार इसी को सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा और सरलीकरण कर लेते हैं, जिससे अपने पास कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब आप लोग साथ साथ लिखना शुरू कर देना कि सबसे पहले नंबर एक, गोले के समीकरण का सरलतम रूप, गोले के समीकरण, गोले के समीकरण का सरलतम रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्पेस। तो सरलतम रूप आपके पास क्या होगा, तो आप छोटा सा तो डायग्राम बना लेना, और संकेत मत दिखाना, ऐसे दिखा देना। तो ये क्या हो जाएगा, गोले के समीकरण का सरलतम रूप है अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जहां गोले का केंद्र क्या है, इस वाले गोले का हमारे पास केंद्र क्या है, तो केंद्र है हमारे पास है जीरो जीरो जीरो, और त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर है। त्रिज्या हमारे पास क्या है, आर है। और अगर बुक्स में लिख के दे दे कोई सिंबल, तो हम उसको सिंबल ही मान लेंगे। तो इस डायग्राम को मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास शुरुआत में इस सिचुएशंस पे था कि गोला हमारे पास है मूल बिंदु पे है, ये हो गया हमारे पास है जीरो जीरो जीरो, और ये बिंदु P हो गया अक्स वाई जेड, और ये हो गई हमारे पास है R, अक्स वाई जेड, और ये मेरे पास हो गई R। ठीक है, एक तो हो गया गोले के समीकरण का हमारे पास है सरलतम रूप। सेकंड, आप याद रखोगे कि गोले के समीकरण का अभीष्ट रूप, गोले के समीकरण, गोले के समीकरण का अभीष्ट रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्फीयर, अभीष्ट, गोले के समीकरण का अभीष्ट रूप। और अभीष्ट रूप के लिए आप याद रखना कि ये तो आपका डायग्राम तो रह गया इधर 3D वाला, और मूल बिंदु देखो इधर रह गया 0 0 0, और ये गोला हमारे पास यहाँ आ गया जिसका सेंटर तो क्या है ए बी सी, थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा मैं, और ये बिंदु पी क्या है एक्स वाई जेड, और ये क्या है आर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, कोई भी नाम दे दो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, उस वक्त इस गोले का समीकरण कितना आ गया, अक्स माइनस ए का होल स्क्वायर
उस वक्त इसका समीकरण कितना आया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में आर ए स्क्वायर। देखो आप जेड में और टू में थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो अगर आप इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए या माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस ए बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू सी जेड प्लस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। या अगर मैं पहले लिखना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर को मैंने इधर लिख लिया, वाई स्क्वायर को मैंने इधर लिख लिया और जेड स्क्वायर को मैंने एक जगह लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई माइनस टू बी वाई माइनस टू सी जेड माइनस टू सी जेड और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इस आर स्क्वायर को भी साथ साथ में इधर ले आता हूँ, आर स्क्वायर बराबर जीरो, आर स्क्वायर बराबर जीरो। ये मैंने इसको सिंपल कर लिया, परंतु आपको याद क्या रखना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही याद रहेगा, इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरतें नहीं है। और इस वक्त इसके केंद्र क्या हैं ये भी ध्यान रखना भाई, इस वक्त इसका केंद्र क्या है मेरे पास है ए बी सी एंड त्रिज्या क्या है वही आर, त्रिज्या क्या है मेरे पास है आर। एक चीज़ हमें यह ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं साइड का रब कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए। अब देखिए हमारे पास तीसरी सिचुएशंस क्या होगी, शुरुआत में तो हमने गोले को मूल बिंदु पे ले लिया, फिर हमने गोले को घुमाया और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले गए, गोले को उठ के घूम के कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। अब मान लो हमें नहीं पता ये गोला मान लो किसी समय घूम के इधर आ गया, ये किसी एक ऐसे क्वाड्रेंट में चला गया जिसके निर्देशांक एक तो माइनस ए आ गया और एक बी आ गया और एक सी आ गया, वही हमारे पास अचर निर्देशांक हैं माइनस ए बी ए आ गया बी आ गया सी आ गया। और चलो हमें ये नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में गया है, पर हमें पता है इसका केंद्र क्या होता है स्थाई होता है, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु क्या है स्थिर बिंदु होता है और स्थिर बिंदु के निर्देशांक, अब की बार मैंने इसके निर्देशांक मान लिए ए वन बी वन और सी वन, अब की बार मैंने निर्देशांक क्या मान लिए ए वन बी वन और ए सी वन, और ये गतिशील बिंदु हैं, ये तो घूमते रहेंगे एक्स वाई जेड के अंदर क्योंकि सतह का बिंदु है। देखिए ये गोला है, अब इस गोले को तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, इसकी सतह के ऊपर जो बिंदु रहेगा वो फिक्स रहेगा, इसके अंदर जो केंद्र है वो भी फिक्स है, पर सिचुएशन ये है कि अब की बार हमने शुरुआत में तो हमने इसको मूल बिंदु पे रखा, तब तो हमने ऐसा कैसा लिख लिया कि केंद्र जीरो जीरो थे और त्रिज्या सेम थी, फिर हमने क्या किया यहाँ घुमा के हम इसको यहाँ से ले आए, तो इसकी जो केंद्र की दूरी है मूल बिंदु से केंद्र की दूरी कुछ कितनी दूरी पे लेके आए, तो सीधी सी बात है इसके निर्देशांक चेंज हो गए। अब हमने क्या कर रहा है कि इस बिंदु को हम गोले को उठा के हमने इधर ले आए, तो केंद्र पहले तो इसका यहां रखा हुआ था, अब घूम के ये इधर आ गया, तो मतलब केंद्र की स्थिति बदल गई, निर्देशांक तो स्थिर ही रहेंगे और इसकी परत है ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा ना, इसको बॉक्स को तो बदल ही नहीं सकते, यानी सतह का बिंदु तो हमारे पास से ऐसा कैसा रहेगा, लगातार इसके केंद्र की स्थिति बदल जाएगी। और ध्यान देना केंद्र हमारे पास होंगे नियतांक की, इसलिए लिखा जाएगा ए बी सी के फॉर्मेट में ही होंगे हमारे पास नियतांक की। अब देखो फिर से इसका समीकरण निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हमारे पास हमने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ निकाला था, उसमें हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड थे, इसमें ए की जगह कौन आ गया ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, तो जो दूसरा समीकरण निकालेंगे उसमें ए की जगह कितना आ जाएगा ए वन, बी की जगह कितना आ जाएगा बी वन, सी की जगह कितना आ जाएगा सी वन और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये सेम रह जाएगा मान लो हमने किसी तीसरी कंडीशन पे निकाला तो। अब मान लो इसके बिंदु आ गए किसी टाइम के ऊपर हैं और हमने क्वाड्रेंट में लेके आ गए, ए टू आ गया माइनस बी टू आ गया और सी टू आ गया, सिचुएशन बदल सकती है, गोला उठ के मान लो आपके पास इधर आ गया
और केंद्र के निर्देशांक क्या गए, A2 - B2 और C2, और सतह के ऊपर बिंदु फिक्स था अक्ष वाई और जेड। तो दो बिंदुओं की दूरी निकालेंगे तो अक्ष -A2 का होल स्क्वायर है प्लस वाई -प्लस B2 का होल स्क्वायर है प्लस Z - C2 का होल स्क्वायर, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2AZ, और ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2B2Z प्लस बी स्क्वायर या B2 स्क्वायर। मतलब हम किसी तीसरी सिचुएशंस में ये तो 2A2 अक्ष आ गया, और अब की बार ये प्लस का 2B2Y आ गया, माइनस का 2C2Z, और ये आ गया A1 थे, और ये हमारे पास आ गया A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर - R स्क्वायर और D। मतलब गोले की सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं, परंतु अगर हम कुछ चीज़ों पे ध्यान दें, हर समीकरण में अक्ष स्क्वायर चेंज नहीं होगा, वाई स्क्वायर चेंज नहीं होगा, जेड स्क्वायर चेंज नहीं होगा, यहाँ भी इसके अंदर अक्ष का गुणांक है, यहाँ भी x का गुणांक है, और यहाँ भी x का गुणांक है, यहाँ भी हमारे पास y का गुणांक है और z का भी गुणांक है, और कुछ वैल्यू अचर हैं, और ये मैंने बता ही दिया कि x, y, z चेंज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र की स्थिति बदलेगी, उसके बिंदुपथ का जो शुरुआती बिंदु है उसकी सतह का बिंदु नहीं चेंज होगा, और सभी के अंदर 2 फिक्स है, सभी के अंदर क्या है हमारे पास 2 फिक्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड समीकरण ये लिया था, इससे हमारे पास ये निकल के आया था अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से -2AX - 2BY, मैं फिर से लिख देता हूँ -2AX - 2BY - 2CZ प्लस A² + B² + C² - R² = 0। ये हमारे पास ABC किसी टाइम में लगातार बदलते जाएंगे, ABC बदलते जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे गोले का व्यापक समीकरण। देखो अब लगातार ABC बदलेंगे, A1 B1 C1 हो जाएंगे, A2 B2 C2 हो जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, ये दो माइनस आ गए, एक प्लस आ गए, ऐसे काफ़ी सारे समीकरण बनेंगे। तो अब हमें ज़रूरत पड़ गई कि एक ऐसा सिंबल दे दो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 -A1 A2 B2 -A3 B3 C3 जितने भी नियतांक हैं उनको आप किसी अलग नियतांक से स्थाई कर दो और उसको दे दो गोले का व्यापक समीकरण। तो तीन शब्द हैं, सरलतम रूप इधर आएगा, अभीष्ट रूप इधर आएगा, और हमारे को गोले का व्यापक समीकरण, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, गोले का व्यापक समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण, ठीक है। और जैसे ही मैं बोलूं कि गोले का व्यापक समीकरण है, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ लगातार ABC की सिचुएशन बदल रही थी, अक्ष वाई जेड नहीं बदल रहा था, इसलिए मैंने लिखा गोले का व्यापक समीकरण अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपने ध्यान दिया होगा 2 भी नहीं बदल रहा था हमारे पास, अक्ष का गुणांक भी अक्ष भी नहीं बदलेगा, तो मान लिया मैंने 2U अक्ष प्लस का ही मानेंगे 2VY 2WZ और ये एक नियतांक वैल्यू, इसको मैंने एक अलग से नियतांक वैल्यू दे दी 0। तो जैसे मैं बोलूं कि गोले का व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशंस ऑफ है, ये देखो हमारे पास जनरल इक्वेशंस थी, ये हमारे पास है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, और ये हमारे पास है सिंपलेस्ट इक्वेशंस थी। तो जैसे ही मैं लिखूं तो गोले का व्यापक समीकरण है, अब आपको एक ही बात बोलनी है कि गोले का समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2U अक्स प्लस 2V वाई प्लस 2W जेड प्लस D = 0 क्योंकि लगातार ABC प्लस माइनस बदलेंगे, कभी A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो उन्होंने उसको मैंने एक नया नाम दे दिया UV और W, से वो प्लस के आएंगे तो प्लस में लिख लेंगे और माइनस के आएंगे तो माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें बताना है, अब लिख तो दिया, अब इसकी तुलना कर दो कि U का मान क्या होगा, V का मान क्या होगा और W का मान क्या होगा। तो एक मैं थोड़ा उधर लिख लेता हूँ, एक समीकरण तो मेरे पास ये है अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2AX - 2BY - 2CZ प्लस A² + B² + C² - R² = 0। और जो हमने गोले का व्यापक समीकरण माना वो हमारे पास क्या माना था, मैंने अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर है प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड और प्लस डी बराबर है जीरो। आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दो। मैं नोट लगा के अलग से समझा देता हूँ, नोट लगा के इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन है फर्स्ट है, इसको मैंने मान लिया है ये इक्वेशन एक है और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन दो है। तो मैं क्या बोलूँ, समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, समीकरण एक तथा दो की तुलना करने पर, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर है, देखिए टू की जगह टू है और एक्स की जगह एक्स है, मतलब प्लस यू की जगह कितना है माइनस ए, यानी हमारे पास जब हमने तुलना की तो यू के बराबर हमारे पास कितना आया, यू की जगह कितना आ जाएगा माइनस का ए, दो की जगह दो है, वाई की जगह वाई है, वी की जगह कितना आ जाएगा माइनस बी एंड डब्ल्यू की जगह कितना आ जाएगा माइनस का सी, और ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है डी के बराबर, और d बराबर हमारे पास कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर। ये हमने इसकी तुलना करके रिजल्ट ले आए। अब ध्यान दो, गोले के समीकरण के अभीष्ट रूप में इसका केंद्र क्या था ए बी सी, इसका केंद्र क्या था ए बी सी, तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा माइनस यू, b की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा माइनस वी, c की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा माइनस का w, यानी केंद्र कितना था इसका ए बी सी, केंद्र कितना था ए बी सी, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का यू, बी की जगह कितना रखेंगे माइनस का वी, सी की जगह कितना रखेंगे माइनस का डब्लू, यानी हमारे पास गोले के व्यापक समीकरण का केंद्र किस क्या आ जाएगा, गोले के व्यापक समीकरण का केंद्र कितना आ जाएगा माइनस यू माइनस वी और माइनस ए डब्लू, क्या आ जाएगा माइनस यू माइनस वी और माइनस ए डब्लू, ठीक है। और त्रिज्या क्या थी हमारे पास यहाँ आर थी, इसकी त्रिज्या कितनी थी आर, तो इस समीकरण में देखो आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ तो ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, डी को मैं उधर ले जाता हूँ डी आ जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर ए, ए का मान अभी अभी हमने क्या निकाला है माइनस का यू प्लस बी, बी का मान कितना निकाला है हमने माइनस का वी प्लस सी, सी का मान हमने कितना निकाला है माइनस डब्लू का होल स्क्वायर और ये डी, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी, और निकालनी क्या थी हमें केवल आर, केवल आर का मतलब यहाँ से रूट में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस डी, ध्यान देना डी का स्क्वायर मत कर देना माइनस ए डी, यानी इसकी हमारे पास केंद्र तो ये आ गया हमारे पास एंड हमारे पास त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या कितनी आई तो आप बोलोगे त्रिज्या को रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस का डी, और माइनस का डी। तो ये था हमारे पास गोले का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर है जीरो। जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ इधर, मान लो मैंने एक समीकरण ले लिया गोले का कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन बराबर है माइनस सिक्स जेड प्लस सेवन बराबर जीरो। मैंने बोल दिया कि ये गोले का एक समीकरण है, मैं चेक करना सिखाऊंगा कि आप कैसे देख सकते हो कि गोले का ही समीकरण है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसके अंदर केंद्र निकालना है, मेरे को क्या करना है इसका केंद्र निकालना है, तो आप ऐसे लिखोगे कि हम जानते हैं कि गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो आप इस टू यू इस टू एक्स को लिखना चाहोगे तो आप इस समीकरण में सुधार करके क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको यहाँ क्या चाहिए प्लस का टू एक्स, तो आप ऐसे लिखोगे प्लस का टू और एक्स, लिखा जा सकता है ना इस माइनस टू एक्स को ऐसे प्लस का टू वी वाई प्लस का टू वी वाई। तो इसको संतुलन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
चार करना पड़ेगा और प्लस का 2WZ, प्लस का 2WZ और ये कितना है 6, 6 कब आएगा जब मैं इधर लिखूं मैं -3 और प्लस का 7, प्लस का 7 आ जाएगा और बराबर है 0। अब मैं बोलूं कि आप इसकी तुलना कर दो तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर है, 2x की जगह 2x है, तो u का मान कितना बच गया आपके पास, u का मान कितना बच गया माइनस का 1 और फिर इसका 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, v का मान कितना बच गया 2, v का मान कितना बच गया 2 एंड w का मान कितना बच गया 2z से 2z माइनस का 3 और d का मान कितना बच गया आपके पास है 7। तो मैं बोलूं बताओ भाई इसका केंद्र क्या है, तो आप केंद्र क्या लिखोगे, यहां के अंदर आप लिखोगे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, यहां के अंदर क्या लिखोगे माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्लू और माइनस यू का मान रख दोगे माइनस है, वी का मान रख दोगे और माइनस है डब्लू का मान रख दोगे, तो आपका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 2 और माइनस माइनस है प्लस 3, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा होगा कि कितना बोरिंग सा है, हमें इसको निकालने में इतना सा टाइम लग गया कि ऐसे लिखो तुलना करो और ऐसे करो। तो इसका दूसरा तरीका है कि ये जो हमने देखो इधर माइनस यू लिखा है ना, ये जो माइनस यू, तो ये अगर मैं यहां से यू देखूं तो इस माइनस यू को ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस 1/2 और अक्ष का गुणांक, माइनस 1/2 अक्ष का गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है 2u, देखिये 2 से 2 कैंसिल माइनस यू बच गया, मतलब मैं गोले के केंद्र को ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस 1/2 अक्ष का गुणांक, माइनस 1/2 अक्ष का गुणांक कोमा माइनस 1/2 वाई का गुणांक, माइनस 1/2 वाई का गुणांक कोमा माइनस 1/2 जेड का गुणांक, आप ये लिख सकते हो। कैसे समझिए इसी एग्जांपल से, हमारे पास देखो ये वाला एग्जांपल था, अगर मेरे को इसका केंद्र निकालना है तो मैं सीधा बोलूं कि माइनस 1/2 और अक्ष का गुणांक क्या है मेरे पास है माइनस का 2 कोमा माइनस 1/2 वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है यहां 4, माइनस 1/2 जेड का गुणांक, जेड का गुणांक कितना है मेरे पास है माइनस 6, यानी माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 दुनी 4, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, देखो यही है ना सेम। तो एक तो हमें इतना नहीं करना पड़े, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया कि गोले का व्यापक रूप का केंद्र कितना होता है माइनस 1/2 एक्स का गुणांक, माइनस 1/2 वाई का गुणांक, माइनस 1/2 जेड का गुणांक, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है, इसका थोड़ा सा धीरे धीरे समझोगे, 2 क्लासों में 3 क्लासों में आप रूटीन में आ जाओगे, ये पेपर 3D है, इसको ज़्यादातर इसको मान के चलना पड़ेगा। ओके, तो मैं अब इन तीनों समीकरणों को एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसमें हम और इसे अच्छे से कुछ बारीकियाँ और बता सकें। तो मैंने ये लिख लिए हैं गोले के समीकरण का सरलतम रूप, अभीष्ट रूप और व्यापक रूप। तो जैसे ही आपको कोई बोले कि गोले का समीकरण क्या होता है तो आप उसे हमेशा गोले के समीकरण का व्यापक रूप बोल के बताओगे, आप उसे हमेशा जनरल फोरम में या उसको व्यापक रूप ही बोल के बताओगे, ठीक है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गई, तो क्या बोलना है आपको गोले का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ठीक है। जहाँ केंद्र क्या है, तो लिखना तो आपको माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू है, पर बोलना क्या है माइनस 1/2 एक्स का गुणांक कोमा माइनस 1/2 वाई का गुणांक कोमा माइनस 1/2 जेड का गुणांक, एंड त्रिज्या क्या है, तो देखो इस रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और चूंकि त्रिज्या निकालने से पहले केंद्र निकाल ही चुके होंगे तो डायरेक्ट क्या बोलोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर से, और माइनस जो समीकरण में देगा वो वाला डी, और देखो डी का स्क्वायर मत कर देना माइनस है डी छोड़ना है, ठीक है। अब देखो नोट लगा के मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो हमने गोले के समीकरण में देखा है, जो हमने गोले के समीकरण में देखा है। तो देखिए ये गोले का समीकरण की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, आपको हर बार व्यापक रूप बोल के बताना है। तो गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, इकाई इकाई, मतलब एक इंटू एक इंटू एक इंटू लगा सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं नंबर 1 कि गोले के समीकरण में
गोले के समीकरण में, गोले के समीकरण में अक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक सदैव इकाई होना चाहिए, का गुणांक सदैव क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। गोले के समीकरण में अक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का गुणांक सदैव क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। देखिए इसके अलावा मैंने आगे कुछ भी हो कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहले एक नंबर के समीकरण में आइए, अक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर गुणांक एक एक एक, यानी ये गोले का समीकरण है और ये अलग बात है कि वो सरलतम रूप है। यहाँ देखिए एक्स का गुणांक ओपन करके लाओगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसका वाई स्क्वायर आएगा, इसका जेड स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक भी क्या है, वन वन एंड ए वन। और यहाँ भी देखिए गोले के समीकरण का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का गुणांक वन वन ए वन। सेकेंड आपको याद रखना है कि गोले के समीकरण में एक्स वाई का गुणांक शून्य होना चाहिए। गोले के समीकरण में, गोले के समीकरण में अक्स वाई का गुणांक जीरो होना चाहिए। गोले के समीकरण में अक्स वाई का गुणांक शून्य होना चाहिए। तो देखिए गोले के समीकरण में क्या आपको अक्स इंटू वाई का गुणांक दिखाई दे रहा है, शून्य होना चाहिए। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। मतलब इस पूरी समीकरण में कहीं भी हमारे पास ये x का गुणांक है, y का गुणांक है, z का गुणांक है, या इसको लिखा जा सकता है ना कि मतलब 0 इंटू और एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का गुणांक क्या है, 0 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर है कि आपके पास समीकरण ऐसे आ गया गोले का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, जो मैंने अभी लिख रहा था वही, सी जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो मैं पूछना चाहूं कि क्या मेरे पास ये गोले का समीकरण है। तो आप देखोगे कि गोले की समीकरण की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, है ही नहीं। सेकंड कंडीशन है एक्स वाई का गुणांक शून्य होना चाहिए, हालांकि आगे की क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तब इसका रोल ज़्यादा रहेगा, इस वाली यूनिट में तो काम चल जाएगा इसके वगैरह। तो ये एक्स वाई का गुणांक तो जीरो नहीं है, तो सेकंड कंडीशन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, पर फर्स्ट कंडीशन में इसके गुणांक इकाई नहीं है। तो मतलब अगर मान लो अगर ए के बराबर बी भी हो जाए तो मैंने यहाँ रख दिया तो सी अलग हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो अगर ये तीनों बराबर बराबर हो, सोचो या तो ये तीनों क्या हो, ए ए ए हो, या ये तीनों बी 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 हो, या ये तीनों सी 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 हो, माना ये तीनों एक समान हैं, तो आप बताइए क्या पूरे समीकरण में ए का भाग नहीं दिया जा सकता। पूरे समीकरण में ए का भाग देने पर समीकरण में ए को दोनों पक्षों में ऐसे लिख दो, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर क्या आ जाएगा, ए का भाग देंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा यू बटा ए इंटू एक्स और टू वी बटा ए इंटू वाई एंड टू डब्ल्यू बटा ए इंटू जेड और डी में भाग दिया तो डी बटा ए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए क्या ये गोले का समीकरण बन गया, यस। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, वाई स्क्वायर का गुणांक, जेड स्क्वायर का गुणांक एक। तो आप यहां से देख के सीधा जज मत कर लेना कि देखो इकाई नहीं है, अतः गोले का समीकरण ही है, देख लेना। अगर तीनों एक समान हैं तो गोला है, और डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो आगे चल के सांग को परिच्छेद बन जाएगा या जो भी बनेगा अलग होगा। ठीक है, अब बताइए अगर मैं चाहूं कि इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है, तो आपको लिखना तो ऐसे है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, पर बोलोगे क्या माइनस एक बटा दो अक्ष का गुणांक, माइनस एक बटा दो अक्ष का गुणांक। बताइए अक्ष का गुणांक क्या है, 2 इंटू यू बटा ए, माइनस एक बटा दो वाई का गुणांक, वाई का गुणांक कितना है 2v बटा ए इंटू, माइनस एक बटा दो जेड का गुणांक, जेड का गुणांक कितना है 2w बटा ए। ये हो गया हमारे पास इसका केंद्र हो गया। तो इसके केंद्र को थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, केंद्र दो से दो कैंसिल, ये आ गया माइनस यू बटा ए,
ये आ गया माइनस वी बटा ए एंड ये आ गया माइनस डब्ल्यू बटा ए। ठीक है, एक तो हमारे पास केंद्र हो गया, एक हमें अब क्या निकालनी है इसकी त्रिज्या। तो देखिए ये केंद्र है, त्रिज्या निकालते हैं वो तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी त्रिज्या निकालते वक्त रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस डी एंड माइनस डी, यहां ये डी था और डी की जगह हमारे पास यहां क्या है डी बटा ए, तो आप इसको छोड़ देना डी बटा ए, ये इसको इस बार इतना ही छोड़ देना, आगे के स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास इसकी त्रिज्या, ये बचेगी रूट के अंदर यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर सॉरी बटा ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बटा बी ए स्क्वायर और माइनस डी बटा ए। इसको सोल्व कर लें तो ये इसकी क्या बच जाएगी त्रिज्या बच जाएगी। तो कहने का मतलब आज की क्लास में अगर हम कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालें कि आप लोगों को क्या याद रखना है, तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि गोले का समीकरण क्या होता है। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि गोले का समीकरण है, तो आप हमेशा इसका व्यापक रूप बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर है जीरो। इसका केंद्र क्या होता है लिखोगे तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, पर बोलोगे क्या कि माइनस एक बटा दो एक्स का गुणांक माइनस एक बटा दो वाई का गुणांक माइनस एक बटा दो जेड का गुणांक, ऐसा करने पर हमारे पास कैलकुलेस काफ़ी आसान हो जाएगी। एंड त्रिज्या क्या करोगे रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस में ये डी। और मान लो मैंने बोल ही दिया कि सरलतम रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, या अभीष्ट रूप बोल दूंगा तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ केंद्र ये वाले केंद्र होंगे ए बी सी और त्रिज्या हो जाएगी इसकी आर। सरलतम रूप के केंद्र क्या होंगे जीरो जीरो जीरो, त्रिज्या क्या होगी आर। और अगर आप गोले के समीकरण में गलती नहीं करो इसके लिए दो लाइनें याद रख लेना कि गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणांक सदैव इकाई होता है, एक्स वाई का गुणांक होना नहीं चाहिए, और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की कोई वैल्यू लग के आती है तीनों में एक समान है, जैसे ऐसे आ जाए सात सात सात, तो सात 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 एक समान है तो सात कॉमन लेके हमें उधर भेज देंगे और हमारे पास एक नया समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी लंबी जा रही है, तो अब मिलते हैं हम लेक्चर टू के अंदर जिसके अंदर हम गोले के समीकरण से रिलेटेड एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से करेंगे। तो जैसे मैं लेक्चर टू स्टार्ट करूँगा तो मैं गोले का समीकरण ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखूँगा। ठीक है।